बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ तैमूर आलम मसूद जो कि हमारे पीटीएम चेयरमैन हुआ, डॉक्टर सदाराम मसूद के पर्सन है, अब्दुल्ला नंजाल और लियाकत की सफाई उनका गवर्नमेंट चेयरमैन हुआ है। बुनियादी तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह तस्वीर से बयान की गई कि हमारे चंद साथी जिसमें डॉक्टर सदाराम मसूद साहब जो कि हमारे सूबे के पहले पेट सर्जन है और साथ ही साथ मेंबर कौमी असेंबली अली वजीर और बाकी जो हमारे साथी हैं जो जेलों में हैं, गुरुला तरीक हो गए, शेर मसूद हो गए, शेर अयूब हो गए, हसन हो गए, बसीर अली पश्तीन फहीम और उवैस अब्दाल, उनकी रिहाई के लिए और खुसूसी तौर पर जो हमारे अभी रिसेंटली चंद रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं और इनकी गिरफ्तारी में जिस तरीके से कानून का मजाक उड़ाया गया है उसकी मजम्मत करना है। डॉक्टर सदाराम मसूद को पेशावर से गिरफ्तार किया गया, जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया था उसमें उनकी जमानत हुई, एक और केस लाया गया उनके खिलाफ वो गीर खान का था, उसमें उन्होंने ट्रांजिट बेल कराई, फिर उस बेल की कंफर्मेशन के लिए वो गीर खान जब पहुंची तो उसको फिर से किसी और केस में गिरफ्तार किया गया, फिर जब वो फ्रांस से उस बेल उस केस में उनकी बेल हुई, फिर मर्दान में किसी और केस में उनको गिरफ्तार किया गया, मर्दान पुलिस उनको लेके गई, फिर मर्दान के बावजूद उसके कि इस केस में हमारे साथियों की जमानतें ऑलरेडी हो चुकी है और वो कोई इस तरह का केस नहीं है, वही जैसे जुलूस का केस और तमाम साथी की उसमें बेल हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, उसके बावजूद भी उसको कैच चला रहा है एक तारीख पर, उसके बाद दूसरी तारीख पर, उसके बाद तीसरी तारीख। इसी तरीके से अली वजीर और बाकी साथी हैं उनका जो केस है वो भी तारीख तारीख दिए जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि भाई बदलने तौर पर। मेरा कहने का मकसद ये है कि कानून को मिस यूज किया जा रहा है, कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे साथी के खिलाफ। एक रियासत और उस रियासत में रहने वाले शहरियों के दरमियान एक मुआवजा होता है जिसको आईन कहते हैं, उस आईन के तहत रियासत को लामहदूद इख्तियार हासिल होते हैं इस मकसद के लिए कि वो उस रियासत में रहने वाले शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ्फुज़ करें। लेकिन यहां पर हो यह रहा है कि बजाय ये कि वो ही आईन और वो ही कवानीन वो मुझे तहफ्फुज़ फराहम करे, वो उल्टा उन्हीं कवानीन को मेरे खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर सदाराम साहब के जितने भी केसेस हैं, जितना भी उनको पूर्व इस ऊपर में घुमाया गया है, एक ही रिचा के केस बिल्कुल आइडेंटिकल केसेस है, तो ये कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है जो कि इंतहाई शर्मनाक भी है, इंतहाई मायूस कुन भी है। और एक बात हम कहते हैं कि इसके पीछे जो हुकूमत है वो हमें सब मालूम है, लेकिन सिविलियन हुकूमत भी इससे बड़ी जिम्मा नहीं है। अगर बुनियादी तौर पर बजाय इसके बावजूद कि हम ये समझते हैं कि इसके पीछे एजेंसियां हैं, लेकिन सहूलतकार का किरदार ये लोग भी अदा कर रहे हैं और वक्त आने पर इनके साथ भी हिसाब होगा। दूसरी बात, चाहे अली वजीर का केस नहीं, चाहे डॉक्टर सदाराम मसूद का केस नहीं, जो एफ आई आर दर्ज हो चुके हैं उसमें बुनियादी नुकता यह कि वह आपने तकरीर की, तकरीर की गोली नहीं चलाई, यहां पर गोली चलाई जाती है। एक केस का तो अभी जिक्र भी हुआ, 27 जनवरी को शुमाली बलिस्तान का एक नौजवान अत्यावर रहमान जिसको दिन दहाड़े फौजी हल्कारों ने कत्ल कर दिया, उससे पहले डॉक्टर वलीउल्लाह 15/1/2021 वो भी आर्मी पिकेट के साथ ही एक उसमें कहीं से गोली आई उसको लगी,
उससे पहले अमीनुल्लाह नामी एक नौजवान को खैसोड के इलाकों में फौजी अहलकारों ने मारवा अदालत कत्ल किया। उससे पहले 27 दस 2020 को अब्दुल कुदूस को देगान में कत्ल किया गया। उससे पहले 19 दस 2020 को अख्तर गुल और एहसान नदी दोबंद को खैसोड में मारवा अदालत कत्ल किया गया। इन तमाम वाकयात में से एक केस की भी एफआईआर नहीं कटी, हालांकि वो उनकी जो वाहकी में वो सराहा एहतजाज अभी भी वजीरिस्तान में एक एहतजाज जारी है। बुनियादी मुतालबा उनका उनके सिर्फ सिंपल पर मुतालबा है, वो मुतालबा हर इंसान के इस मुल्क में रहने वाले हर एक शहरी का बुनियादी इंसानी आइन और कानूनी मुतालबा है, और ये है कि हमारे जो बच्चे का जो कत्ल हुआ है उसकी एफआईआर कटी। यहां पर जब कत्ल हुआ है उसकी एफआईआर नहीं कटती, दूसरी तरफ जब कोई तकरीर करता है तो उसकी तकरीर के ऊपर उस पर एफआईआर नहीं कटती और उसको एफआईआर के बाद उसको कन्विक्शन से पहले उसको टॉर्चर किया जाता है, मुख्तलिफ जेलों में गिराया जाता है। तकरीर क्या होती है? तकरीर होती है कि भाई जो जंग हुई है, दहशतगर्दी के नाम पर जो मसनूई जंग हुई है, उस जंग की तहकीकात होनी चाहिए। जो मसनूई जंग हमारे इलाके में इम्पोज की गई है उस जंग की तहकीकात होनी चाहिए, और वो तहकीकात करने से ये लोग कतराते हैं। तो मैं खान साहब की इमरान खान साहब जो मौजूदा इरादत है उन्हीं के अल्फाज में उनसे पूछूंगा कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी से क्यों घबराते हैं, इन्वेस्टिगेशन से क्यों घबराते हैं? एक बार ये इस बात पर आप डिफेंड कर सकते हैं कि आप कहें कि भाई हमने कोई मारा हुआ है अदालत मारवाए कानून कोई काम नहीं किया, हम हमारा कोई हाथ ही नहीं इस जंगी जो मईशत थी उसको पैदा करी, इस मजदूरी जंग को पैदा करने में। अगर आप इस बात पर इतना कॉन्फिडेंस है आपने, क्या अगर आप कहते हैं कि भाई आपने कोई जोड़ी नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, जो करें फिर का युवराज से क्यों घबराते हैं? फिर पीटीएम का जो बुनियादी मुतालबा है कि खुद कमीशन कायम किया जाए जो इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि किसने इस जंग में डॉलर कमाए, कौन इसमें सहूलतकार था, किसने कत्लेआम किया और कौन जिम्मेवार है इस तमाम खून की जोड़ी के लिए हमारे बच्चे पर। तो ये बात अगर नहीं होगा नहीं होगी तो मेरे ख्याल में एक आम तासुर इस रियासत में रहने वाले शहरों में यही होगा, फिर वो इदारों पर से उनका एतमाद उठ जाएगा, इस मुल्क की अदालतों पर से उनका एतमाद उठ जाएगा और हालात एक इंदाकी की तरफ जाएंगे। और मेरे ख्याल में यही वो हालात है जिनका इदराक जब बंगाल युद्ध हो रहा था उस वक्त भी नहीं किया गया, अपने मिजाज के मुताबिक फैसले होते रहे, अवाम की जो सेंस थी, अवाम का जो रद्द अमल था, उस चीज को खातर में नहीं लाया गया जिसके कॉन्सिक्वेंसिस पर यहां तक पहुंचे कि पाकिस्तान तो वही खतरात उसकी तरफ अवाम को धकेला जा रहा है, जो बुनियादी इंसानी हकूक है वो चीने जा रहे हैं और रियासत एज स्टेट उसका एहतसाल कर रही है, कुछ अफराद नहीं कर रहे, रियासत कर रही है जिसका किरदार एक मां की तरह होना चाहिए था, जो प्रोटेस्ट करती ह्यूमन इंसान की यहां के शहरी की बुनियादी इंसानी हकूक की, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो हम जितना भी अमल हुआ है उसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं, जिनकी जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है, और मुतालबा भी करते हैं कि ये जो प्रोसिक्यूशन हो रही है हमारी हमारे साथियों की वो बंद की जाए और हमारे जो गिरफ्तार रहनुमा है डॉक्टर सदर मसूद साहब हैं, अली वजीर साहब हैं, बाकी जितने हमारे गिरफ्तार साथी हैं रहनुमा हैं उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया। ये आपने जो है ना बेसिक